नमस्कार दोस्तों, ग्रेडिट एक्स के आज के बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले और डरावने एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो रियल लाइफ स्टोरी को लेकर आ गए हैं जो किसी के साथ बीती। ये इतनी ज्यादा डरावनी कहानियां हैं ना, इतना डरावना किस्सा है कि अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में वो बीते तो बहुत ज्यादा घबरा जाए। मैं ऐसा कुछ फेस करूँ ना तो मैं तो बहुत ज्यादा डर जाऊं और मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दूं। लिटरली आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी इतने ही ज्यादा हैरान होंगे। तो पहली कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीती हुई थी। अमरावती शहर में रहने वाले एक एडवोकेट जिनका नाम था निखिल, मेरे ही नाम के जैसा, वो एक प्रॉपर्टी डीलर भी थे। उनके पास एक केस आया हुआ था, जो केस चल रहा था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सुबह सुबह अपने घर से निकलूंगा और वहां से काम कंप्लीट करके रात के वक्त तक, मतलब भले ही आधी रात हो जाए, मैं अपने घर पर लौट जाऊंगा। अमरावती से एमपी के उस गांव का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी बाइक से ही जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, कंप्लीट करके लौट जाऊंगा। 4 घंटे का डिस्टेंस था वहां से। हाँ, अब क्या करते हैं, अपनी बाइक वाइक में पेट्रोल भराते हैं, जो भी मैकेनिकल वर्क था उसको कंप्लीट कराते हैं, मतलब गाड़ी में एक बूंद की भी प्रॉब्लम नहीं बचती है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम था, मन भी बहुत अच्छा था, उन्हें मालूम था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब जो भारीपन होता है ना कभी कभी मन में, उनके मन में वो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे वो मध्य प्रदेश के उस गांव में पहुंचते हैं, अपना काम कंप्लीट कराते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है यार, काम काफी जल्दी कंप्लीट हो गया है। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मुझे कहीं यहाँ रुकना ना पड़ जाए, लेकिन उनका ये काम रात के टाइम तक कंप्लीट हो चुका था पूरा। उन्होंने सोचा कि सब कुछ तो है, सब कुछ रेडी हो गया, मैं अपने घर के लिए वापस निकलता हूँ। अब रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपने उस पर्टिकुलर जगह से निकल जाते हैं। अब बाइक चलाते चलाते वो एक घने जंगल में एंटर करते हैं। दरअसल जो एमपी और महाराष्ट्र के बीच वाला जो बॉर्डर है और वहां पे जो भी रास्ता है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है, क्योंकि मैं भी वहीं कहीं से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। अब वहां से लौट ही रहे थे तो अचानक से रात के 12 बजे के आसपास, जब स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत ज्यादा कम थी, यहां पर क्या होता है, अचानक से उनकी बाइक ऐसे ढक 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 करने की आवाज करने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो गाड़ी की अच्छे से सर्विसिंग करा के लेके आया था, पेट्रोल भी फुल टंकी करवा के लेके आया था, पॉसिबल ही नहीं था कि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। गाड़ी चलती है और अचानक से वो अपने राइट साइड में नोटिस करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा होता है ना कि हम सामने देख रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम इधर भी देख पा रहे हैं, ऐसा साइड विजन जिसको मैं बोलता हूँ, पता नहीं उसका असली वर्ड क्या होता है। अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे राइट साइड में कुछ व्हाइट व्हाइट सा हवा में उड़ रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि कोई पक्षी है, लेकिन अचानक से दिमाग में क्लिक किया कि ऐसा तो कोई पक्षी नहीं होता। वापस से पलट के देखे तो कोई नहीं था। अभी भी वही ढक ढक की आवाज के साथ वो गाड़ी को बढ़ा रहे थे, लेकिन सेम टू सेम फीलिंग उन्हें अपनी लेफ्ट की तरफ से आई। जैसे ही लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, ये कुछ कपड़े जैसा उड़ रहा है। हैरान हो गए, ढंग से नोटिस किए तो उस चीज की आंखें और चेहरा जैसा भी कुछ समझ में आ रहा था। पूरी आकृति तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक कपड़े की आंखें और चेहरा जैसा कुछ आ गया है। बहुत जोर से घबरा जाते हैं और घबराहट के कारण वो अपनी गाड़ी स्पीड में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी रुक जाती है। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है वो डर जाते हैं। सुनसान सड़क थी, थोड़ी थोड़ी बिजलियां चमक रही थी, मौसम बिगड़ चुका था, स्ट्रीट लाइट भी कम थी, कोई भी आगे पीछे नहीं था, और ऊपर से ये सफेद कपड़ा जो अचानक से हवा में ही गायब हो गया था, और गाड़ी भी रुक गई थी। अब हिम्मत जुटाते और मन में बजरंगबली का नाम लेना शुरू, गाड़ी जैसे तैसे करके सुधारने की कोशिश कर जाते हैं, लेकिन गाड़ी ढंग से सुधर नहीं पाती है। घबराहट तो मन में बहुत हो रही थी, बोलते यार छोड़ो यार, मैं घसीट के गाड़ी आगे लेके जाऊंगा, जब तक कोई मुझे दिखने नहीं लगता, आगे चल के कोई गांव नहीं दिख जाता, मैं घसीटते हुए लेके जाऊंगा, लेकिन यहां रिस्क लेना भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी खींचना शुरू कर देते हैं और खींचते खींचते अब उन्हें लगभग 1 घंटा हो जाता है। हालत बहुत ही ज्यादा खराब, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि मैं जैसे तैसे करके गाड़ी चला भी लूं, लेकिन डर जो होता है ना इंसान से बहुत कुछ करा देता है। पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई थी, बोले एक ट्राई तो मारता हूं, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। किक मारे और इस बार एक एक किक में गाड़ी स्टार्ट। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है वो सोचते हैं कि अब मैं नॉन स्टॉप भगाऊंगा बजरंगबली का नाम लेके गाड़ी। अब वो गाड़ी में बैठते हैं और हनुमान चालीसा मन में रीड करना शुरू। अभी भी जंगल ही था, छोटे छोटे गांव बीच में मिल रहे थे, लेकिन ये गांव इतने ज्यादा छोटे थे कि छोटे गांव में तो लोग नॉर्मली 7-7:30 बजे तक सो जाते, यहाँ पे तो लगभग 1 बजे का टाइम हो चुका था, तो किसी का भी जागना इम्पॉसिबल था। वो सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा नहीं मिल जाता, कुछ सेफ जगह नहीं मिल जाती, मैं निकलते रहूंगा बिना रुके।
अब वो हनुमान चालीसा रीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ी रहेंगे, अचानक से घाटी जैसा एरिया मिलता है, जो घाट होते हैं ना पहाड़ी इलाका, राइट साइड में खाई होती है, लेफ्ट साइड में पहाड़ होते हैं, ऐसा उन्हें घाटी जैसा इलाका मिलता है। और अचानक से क्या होता है कि उनके सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। अब जब वो अपनी सामने वाली गाड़ी को नोटिस कर ही रहे होते हैं कि यार मैं इससे कुछ मदद मांगता हूँ, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने वाले ही होते हैं कि अचानक से फिर से उन्हें अपने राइट साइड में थोड़ी दूरी पर जहां पर खाई थी, खाई के ऊपर वाले हिस्से में वही बाइक आकृति दिखाई देती है। अभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अभी कुछ और कर पाते, कुछ समझ पाते, गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा कर पाते, उससे ही पहले ये नोटिस करते हैं कि जो सामने आदमी चल रहा था उसकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से डिसबैलेंस होती है और खाई की तरफ खींची चली जाती है और फिर सीधे नीचे धड़ाम से बहुत जोर की आवाज होती है। और फिर इन्हें नहीं मालूम क्या हुआ, पूरी तरह से ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आया। मन में और जोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया और बाहर भी चिल्ला ही दिए थे कि भगवान मुझे बचाओ, और फुल स्पीड गाड़ी भगाए और जब ही आके रुके, जब उनका घर पहुंचा, कहीं पर भी बीच में नहीं रुके, नॉन स्टॉप जितने देर का ट्रेवल था हनुमान जी का नाम लेते ही लेते अपने घर पहुंचे हैं। घर पे कुछ लोग मिले और घर पे सभी लोगों को ये सारे वाक्य बताए और सभी लोगों के समझ में आया कि यार हो ना हो बजरंग बली ने ही तुम्हें सेव कर लिए, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बच के आ गया हूँ। और अभी के टाइम पे तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना दिया है जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोगों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, तभी हनुमान जी का मंदिर बनाया वहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ऐसी आकृतियां वहाँ पे देना शुरू। वहाँ पे आई थिंक एक माँ और एक बेटी का एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक से, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसे ऐसे हादसे वापस होने चालू हो गए थे, तो और बहुत लोग साथ हुए थे उसके बाद से, इसीलिए वहाँ पे एक मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया गया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हनुमान जी के कारण ही बच पाए थे। अगर उनकी वो गाड़ी खराब नहीं हुई होती तो अभी वो जो आदमी खाई में गिरा उसके आगे ये होते, पता नहीं शायद ही गाड़ी खराब होने का रीजन यही रहा होगा कि आज वो जिंदा है, सही सलामत है, उन्होंने हमें ये कहानी लिखकर भेजी। तो कई बार कुछ कुछ बुरा होता है ना, तो उसके पीछे भी हमारा अच्छा ही लिखा होता है। एक और दूसरी कहानी है जो कि खुशाली ने मुझे भेजी थी, ये कहानी भी बड़ी ही डरावनी और हैरान कर देने वाली है। मेरे लिए डरावनी तो उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोगों की भी नींद 3 बजे से लेकर 3:30-4 बजे के आसपास तक खुलती है, 4:45 स्पेशली, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के आसपास मौजूद है, आप लोगों को कहीं से खड़ी होकर देख रही है। और अगर ऐसा हो रहा है बार बार रेगुलरली, तो आपको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो खुशाली के साथ क्या हुआ था, इसके जो दादाजी थे, इसकी अभी आज ही मृत्यु हुई थी उसके दादाजी की। अब उसके दादाजी की मृत्यु तो हो गई, घर पे काफी सारे लोग आ गए, लेकिन अंतिम संस्कार के अगले दिन से ही ना जाने क्यों इसकी नींद अपने आप 3 बजे से 4:45 बजे के बीच डेली खुल रही थी। इसने 4-5 दिन तक नोटिस की और एक दिन सोने से पहले बाय लक मेरा ही वीडियो ओपन हुआ। और मेरा कौन सा वीडियो, जिसमें मैंने ये वाली जानकारी दिया था। जैसे खुशाली ने वीडियो देखी तो उसने वो कनेक्शन बनाने की, बैठाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्या ये सचमुच में मेरा वही रीजन से हो रहा है, क्या मेरी भी उसी रीजन से बार बार नींद खुल रही है, क्योंकि ऑलरेडी नींद खुलते हुए 4-5 दिन हो चुके थे फिर मेरा वीडियो दिखाई दिया था। अब खुशाली के मन में थोड़ा सा डर बैठा, वहम बैठा, और आज वो फिर से इसी सोच के साथ सोई, लेकिन फिर से आज 3 बजे से 4 बजे के बीच में नींद खुल गई। जैसे तैसे करके उसने अपनी जगह पोजीशन चेंज की और फिर से सोई, और अगले दिन उठ के ही अपने एक रिलेटिव से बात डिस्कस की। तो रिलेटिव ने क्या बताया कि हाँ, हमने भी सपने में अपने कई बार ऐसा देखा है कि खुशाली अपने रूम में सो रही है और उसके रूम में दादाजी बैठे हुए हैं। और उसकी बुआ ने भी बोला था कि मतलब शायद मैंने ऐसा, मुझे एक बार सो के उठी थी मैं इधर, उसके बाद मुझे लगा था कि दादाजी तुम्हारे कमरे में बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा फील जैसा हुआ था। तो बताने वाला एक इंसान नहीं था, किसी को सपने में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था तो किसी को हल्का सा रियल में वहम हो रहा था, या सच्चाई थी जो भी थी अपने को नहीं मालूम। लेकिन अब खुशाली समझ चुकी थी कि हाँ प्रेजेंस है। खुशाली ने मन में हिम्मत रखी क्योंकि उसे पता था वो उसके दादाजी ही है, कोई और एनर्जी नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा घबराई नहीं। और फिर कंप्लीट जब 13 दिन हुए ना, तो 14वें दिन जब सारे गेस्ट उनके घर से चले गए, तो खुशाली की नींद भी जो 3 से 4:45 के बीच में खुल रही थी वो भी बंद, मतलब खुलना बंद हो गई। तो तब जाके खुशाली समझ पाई कि नहीं,
ये सचमुच में ऐसा होता है, और जो मेरा वीडियो था वो सही जानकारी दे रहा था। मतलब यहाँ तो क्या हो गया, मतलब मेरी थोड़ी सी बात हो गई क्या? नहीं, लेकिन यार सोचने वाली बात यह है, बात मेरी से नहीं है, मेरे वीडियो की नहीं है, बात यह है कि देखो ऐसी चीजें कई बार लोगों की जिंदगी में होती है, और आप लोगों को ज्यादा कई बार ना ऐसी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कई बार ऐसी एनर्जी सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाती है। और वो दादाजी की एनर्जी तो पॉजिटिव थी, उसके बाद से उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे दादाजी मेरे साथ हैं, और बहुत पॉजिटिव रहती है उसके बाद से, वो डरती नहीं है उस चीज से। हाँ, तो कई बार कोई एनर्जी आप लोगों के भले के लिए भी आप लोगों के साथ रहती है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा डरते रहो। मेरे वीडियो सिर्फ डरने के लिए बनाए जाते हैं, नहीं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं जानकारी देने के लिए बनाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जानकारियां आप लोगों के काफी ज्यादा फायदे में भी आ सकती है। हाँ, अगर जानकारी इस वीडियो से मिला होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों की भी इन्फॉर्मेशन बढ़े। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।